आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वेदास इंस्टीट्यूट कोलकाता पे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेशनल थर्मल पावर स्टेशंस इन इंडिया। स्टूडेंट्स, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, नेशनल पार्क, एनर्जी रिसोर्सेज, सॉइल्स रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर। तो जब आप एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे मेजर कोल फील्ड्स इन इंडिया, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया, सम इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस इन इंडिया, मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, डैम के बारे में पढ़ेंगे, बैरेज के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया, जो कि आज का टॉपिक है। इसके अलावा पढ़ेंगे मेजर एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है नेशनल थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया, समझते हैं कि सबसे ज्यादा किस एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप आईएएस की तैयारी करते हैं, तो जो प्रीलिम्स पेपर वन होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी है ये पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन जीएस वन जो कि 250 मार्क्स का होता है, इसके लिए जरूरी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम्स जो कि 200 मार्क्स का होता है, और 25 क्वेश्चंस जो है वो ज्योग्राफी से बनते हैं। इसके अलावा मेन पेपर थ्री 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का हिस्ट्री और 100 मार्क्स का ज्योग्राफी। तो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम्स एज वेल एज मेन पेपर थ्री के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है नेशनल थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। दिस साइड थर्मल पावर स्टेशन के नाम है, और अनदर साइड प्लेस मेंशन किया गया है, या यूं कहिए कि जिस राज्य में है उसको मेंशन किया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली, फरक्का थर्मल पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल, कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन बिहार, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़, दादरी थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन केरला, रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा, उंचाहर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार, सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश, टांडा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, सिपात थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़, कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात, औरैया थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु, बारह थर्मल पावर स्टेशन बिहार, कुडगी थर्मल पावर स्टेशन कर्नाटका, बोंगाईगांव थर्मल पावर स्टेशन असम, सोलापुर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र, गदरवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, दार्ली पाली थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा, खारगोन थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, अंता थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान। स्टूडेंट्स, तो हमने ये टॉपिक कवर किया नेशनल थर्मल पावर स्टेशन। तो हमने सारे स्टेशन को ऑलमोस्ट देखा, और ये जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कोल बेस्ड होता है, पेट्रोलियम बेस्ड होता है, और नेचुरल गैस बेस्ड होता है। तो आपने जितने भी ये जो थर्मल पावर स्टेशन देखे, या तो कोल बेस्ड होता है, या पेट्रोलियम बेस्ड होता है, या नेचुरल गैस बेस्ड होता है। तो ये जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये इको फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। स्टूडेंट्स, तो हमने ये टॉपिक कवर किया, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे
जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं स्पेशली वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस से। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने टॉपिक कवर किया नेशनल थर्मल पावर स्टेशंस इन इंडिया। सेम टॉपिक से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में आ चुके हैं, तो एक एक करके देखते हैं। 2020 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज ओबरा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए कॉपर प्रोजेक्ट इन राजस्थान, ऑप्शंस बी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी एटॉमिक पावर प्लांट इन कलपक्कम, ऑप्शंस डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश रोहतांग। आपका आंसर है ऑप्शन बी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 3 क्वेश्चन, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शंस बी मध्य प्रदेश, ऑप्शंस सी तमिलनाडु, ऑप्शंस डी कर्नाटका। आपका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। 2016 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन पेपर 3 आपका क्वेश्चन है, इडुकी थर्मल पावर स्टेशन इज इन द स्टेट ऑफ? आपका ऑप्शंस है ऑप्शंस ए तमिलनाडु, ऑप्शंस बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शंस डी कर्नाटका। आपका आंसर है ऑप्शन सी केरला। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।